एवरीवन, आज हम देखेंगे फुल पेटल व्यू एंड देखेंगे यहाँ पे बाइटिंग पॉइंट अपहिल डाउनहिल टो एंड हिल की पोजीशन। आप देख सकते हो कैसे हम एक्सेलरेटर और ब्रेक देते हैं एंड क्लच सिर्फ लेफ्ट लेग से यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फुल क्लच फुल ब्रेक, गाड़ी स्टॉप पोजीशन पे थी। अब हम यहाँ पे फर्स्ट गियर डालेंगे। ध्यान रखें, फुल क्लच होने के बाद ही आप ब्रेक या फर्स्ट गियर डाल सकते हो। नाउ जब हमको बाइटिंग पोजीशन देखनी होती है, पहले हम धीरे से रिलीज करते हैं ब्रेक को एंड स्लोली स्लोली क्लच रिलीज करते हैं जब तक हमारी गाड़ी की मूवमेंट हमको नहीं दिखती। जैसे गाड़ी की मूवमेंट दिखती है, फिर हम धीरे धीरे क्लच रिलीज करते हुए गैस पेडल या एक्सेलरेटर देते देते आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप नहीं देते हो। तो कुछ इस तरह से आप अपने फर्स्ट गियर पे काम करते हैं। अगेन आपको चलाते हुए गाड़ी मूवमेंट में सेकेंड गियर देनी है। जस्ट आपकी पैर क्लच में होगी, फुल क्लच गियर चेंज करोगे एंड धीरे धीरे फिर अगेन क्लच को रिलीज करते हुए आप एक्सेलरेटर दोगे। आप देख सकते हैं मेरी पोजिशन, टो की पोजिशन, हिल की पोजिशन कैसी है। मैं ये आपको बेयर फुट पे भी दिखाऊंगी। तो स्लोली आपको क्लच रिलीज करते हुए गाड़ी को मूवमेंट देना है एंड जैसे आपकी क्लच प्रॉपर रिलीज हो जाती है फिर आप एक्सेलरेटर दोगे। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप गाड़ी इनिशियल लेवल पे चलाते हो। अगर आप एडवांस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप क्या करोगे, राइट लेग से वी शेप में अपने ब्रेक एंड एक्सेलरेटर को डील करोगे एंड लेफ्ट लेग से हम क्या करते हैं, क्लच को डील करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये मूवमेंट होता है गाड़ी का। अब हम सीखेंगे यहाँ पे अपहिल एंड डाउनहिल, और मैं आपको बेयर फुट में भी जैसे कहा आपको दिखाऊंगी कि बाइटिंग पॉइंट अपहिल डाउनहिल कैसे करते हैं। हम करेंगे अपहिल डाउनहिल। अपहिल में पहले क्या करेंगे, अपहिल में क्या होता है, आपको ऊपर चढ़ना है। मेरी गाड़ी कम्प्लीट स्टॉप है, कम्प्लीट स्टॉप में अपहिल में फर्स्ट गियर में जाना था। फर्स्ट गियर में ज्यादा इंजन हमारा अच्छा पकड़ लेती है, तो हम क्या करेंगे, पहले फुल क्लच फुल ब्रेक। क्यों हम अपहिल में जा रहे हैं, तो हम रिस्क नहीं लेते कि हमारी गाड़ी पीछे जाए, तो ब्रेक दे रहे हैं गियर में, गियर को फर्स्ट गियर। ठीक है, अब हम क्या करें, हल्का हल्का क्लच छोड़ेंगे बाइट पॉइंट तक, पोजीशन आ गया हमारा मूवमेंट एंड देन ब्रेक छोड़ के अब अपहिल जा रहे। तो आप क्लच रिलीज करते करते आपको एक्सेलरेटर देना है ताकि आपकी अपहिल मूवमेंट स्मूथ हो। जैसे अपहिल में पोजीशन आ जाए, धीरे 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 आपको स्लो कर देना ताकि आप उसको कंट्रोल में ले सके। ये है अपहिल का सिचुएशन। नाउ अब हमको सिचुएशन देखना है डाउनहिल का। हम क्या करते हैं, अगेन फुल क्लच फुल ब्रेक एंड डाउनहिल में हम पहले ब्रेक छोड़ सकते हैं, मोशन में धीरे धीरे मोशन आ जाती है एंड देन हमको यहाँ पे एक्सेलरेटर देने की जरूरत नहीं होती है। आपको भगाना है तो एक्सेलरेटर दोगे, धीरे धीरे हम क्लच की मदद से नीचे उतरते हैं और कंट्रोल लेना है तो बीच में ब्रेक देते हैं। और जब भी ब्रेक दोगे याद रखना हल्का फुल क्लच एंड हल्का हल्का ब्रेक। तो ये आपका कुछ ऐसा सिचुएशन है। ये सिचुएशन मैंने दिखाया कि टो आपका कैसा रहता है एंड हिल आपका कैसा रहता है, हिल मूवमेंट। मैं इसको आपको बेयरफुट में दिखाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। बेयरफुट में हम क्या देखेंगे कि हमारा ये जो हिल है एंड ये टो एंड ये हिल का हमारा टेक्निक, शिफ्टिंग टेक्निक हम देखेंगे। विद दैट हम देखेंगे कि जब हमारी गाड़ी पूरी स्टॉप हो जाती है तो व्हीकल को अप कैसे लेते हैं, अप क्लाइंब कैसे करते हैं। सिंपल वही हमारा जो विथ फुटवेयर और विदाउट फुटवेयर सेम। हमको गियर अपहिल में जनरली हमारा सेकंड गियर पे नहीं उठाना चाहिए, फर्स्ट गियर पे उठाना चाहिए ताकि आपकी इंजन पकड़ सके। अगेन फुल क्लच एंड फुल ब्रेक, गियर को आप फर्स्ट गियर में रखोगे क्योंकि अपहिल है तो पहले हम क्लच छोड़ेंगे, अगर ब्रेक छोड़ेंगे तो गाड़ी पीछे जा सकती है। तो पहले हल्का 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 बाइटिंग पॉइंट तक आते आते जैसे हमारा गाड़ी मोशन में पकड़ा, हम इसको देते देते आगे बढ़ जाते हैं। तो ये प्रॉपर फुट पोजीशन है, जब भी आप ड्राइव करें आपके पेडल पे ऐसे पोजीशन आपके हिल एंड टो के होने चाहिए। ध्यान रखें इनिशियल लेवल पे आप बेयर फुट ट्राई करें, बट लॉन्ग रन में आप फुटवेयर करें, नहीं तो आपके पैर में फुट में इंजरीज हो सकती है। ब्रेक आपको बार बार यूज नहीं करनी है, ब्रेक आप जब भी यूज करते हो फुल क्लच करोगे तभी आप चाहे पूरा ब्रेक दो या हल्का ब्रेक दो करना, तो आपकी क्लच प्लेट भी नहीं चलेगी। और क्लच का दूसरा यूज होता है जब आप गियर चेंज करते हो, अदरवाइज ब्रेक आपका कुछ यूज नहीं है। ब्रेक मतलब क्लच एंड क्लच फुल होना दो रीजन, एक फुल क्लच मतलब ब्रेक, एक फुल क्लच मतलब गियर चेंज। अदरवाइज आप या तो हल्का एक्सेलेटर दो या फिर सब सारे पेडल्स छोड़ के स्लो होने दो, मोशन में आप कंट्रोल में आने दो। ठीक, सो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको यूज करनी है अप क्लाइंब में एंड डाउन क्लाइंब में। क्या करना है, फुल क्लच फुल ब्रेक फर्स्ट गियर, डाउन क्लाइंब में कभी भी गियर डिसएंगेज मत करके रखिए, एंगेज जरूर करके रखिए, नहीं तो आपकी गियर बॉक्स भी खराब होने के चांसेस है एंड गाड़ी भी कंट्रोल पे नहीं रहती है। डाउन में आप पहले ही ब्रेक छोड़ सकते हो एंड देन हल्का हल्का क्लच छोड़ के आपको यहाँ पे एक्सेलरेटर भी देना नहीं होता क्योंकि डाउन जा रही है। आपको समझ में आ गई होगी कि आपको हिल हमेशा ऐसे रखना है। अभी भी पैर ऐसे जब रेस्ट करते हो ना, पैर को हम कब रेस्ट करते हैं, जब आपको फ्री जगह मिलती है कि आप रेस्ट करो और एक्सेलरेटर देते जा रहे हो। इसी रास्ते में इसे कभी यूज नहीं करना है। ठीक है, तो आपको बिजी रोड में अगर आप एक्सेलरेटर दे रहे हो
तो आपको ध्यान रखना, आप क्लच में पैर है इसका मतलब क्लच प्रेस नहीं हो रहा है, आपको जरूरत है तो क्लच प्रेस करके ब्रेक दे सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपकी हिल एंड टो की पोजीशन होती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई हो। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए।